सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों इंटरनेट तो आप सभी यूज करते हैं और यहाँ पे आप तरह तरह के काम करते हैं इंटरनेट के ऊपर, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है VoIP या फिर वॉइस ओवर आईपी के बारे में? हाँ, जब इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूँ वॉइप के बारे में, बताऊंगा दोस्तों आखिर ये काम कैसे करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। This video is brought to you by AnyTrans. Check description for more information. यार अभी आप नेट पे देख रहे हो इस YouTube वीडियो को, अभी आप देखते हो मान लीजिए कुछ और वेबसाइट्स को, तो वो दोस्तों जो चीज है वो तो आती है वेब के अंदर, जो क्या बता चुका हूँ पहले दोस्तों। अभी इंटरनेट है वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, यहाँ पे यार सेटेलाइट से लेके फाइबर ऑप्टिक केबल से लेके टेलीफोन नेटवर्क से लेके बहुत दोस्तों पूरा जाल बन चुका है। और ऐसे में जब हमारे बहुत सारे डिवाइसेस जुड़े हैं इंटरनेट से, तो क्या हम यहाँ पे ऑनलाइन कॉल नहीं कर सकते? हम डेफिनेटली करते हैं यार, आप करते हो दोस्तों, काम में लेते हो डेली स्काइप को, व्हाट्सएप कॉल को, इनफैक्ट दोस्तों आप जो है वो इंटरनेट के जरिए किसी मोबाइल फोन के ऊपर भी कॉल कर लेते हो। तो आखिर ये पूरा सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके यहाँ पे क्या है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, आज मैं आपसे इस वीडियो में थोड़ा सा इसी के बारे में बात करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कुछ ये निकल के आता है कि यार देखो इंटरनेट है, अभी हमारे पास में नेटवर्क है, हम वहाँ पे चीजें भेज सकते हैं बहुत सारी यहाँ पे, चाहे वो इमेजेस हों, चाहे वो वीडियोज हों, चाहे वो टेक्स्ट हों, तो हम यहाँ पे हमारी वॉइस को क्यों नहीं भेज सकते? मतलब कितना आसान है कि भैया मैंने अगर कॉल लगा दिया मान लीजिए एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पे, तो यहां पे जो मैं बोल रहा हूं वो वहां पे वो चीज सुन ले, वो जो बोले वो मैं सुन लूं, तो यहां पे हमारा मुफ्त में काम बन जाए। मतलब आज की डेट में अगर आप ये सोचते हैं कि यार आपके फोन का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है या फिर आपको कॉल लगाना है STD या फिर ISD, तो ऐसे में शायद हम 21st सेंचुरी में फिर दोस्तों नहीं रहेंगे, क्योंकि यहां पे आज की डेट में आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, बिकॉज दुनिया भर में जो कनेक्शन है वो इतने ईजी हो गए हैं कि आप बड़े ही आराम से मुफ्त या फिर बहुत ही कम कॉस्ट में दुनिया भर में किसी को भी कहीं पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत दोस्तों यहां पे कुछ निकल के आती है कि जो आपका बेसिक इंटरनेट है वो काम करता है थोड़े डिफरेंट तरीके से। यहां पे दोस्तों हम काम में लेते हैं पैकेट स्विचिंग टेक्निक का, जहां पे अगर आप कोई भी कंटेंट अपने कंप्यूटर से बाहर भेज रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं, तो वो दोस्तों तोड़ा जाता है बहुत सारे छोटे-छोटे पैकेट्स में, वो बाद में ट्रैवल करते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, उसके बाद दोस्तों वहां पे जाकर उनको सबको रीअसेंबल किया जाता है, जिसके बाद में आप जो है वो कंप्लीट एक वेब पेज या फिर कोई भी वीडियो देख पाते हैं। लेकिन क्या हम कॉलिंग में ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका डेटा है वो पैकेट्स में जा रहा है टूट टूट के, और वहां पे आपने बोला कि हेलो क्या हाल है, तो पहले तो भैया आता है उसके बाद में आता है हेलो, उसके बाद में हाल, उसके बाद में क्या? तो ये दोस्तों जमेगा नहीं। यहाँ पे हमको कुछ स्पेशल प्रोटोकॉल्स को काम में लेना पड़ता है, जहां पे हम ये चाहते हैं कि जो कम्युनिकेशन दोस्तों हो वो हो एकदम रियल टाइम में, और जो डिलेज हैं वो भी इतने ना हो। तो अब यहाँ पे दोस्तों कॉलिंग के लिए दो अलग अलग एग्जांपल्स निकल के आते हैं, जहां पे भैया पहला तो ये है कि जो डिवाइसेज हैं वो आपके सभी जुड़े हुए हैं इंटरनेट से। फॉर एग्जाम्पल आप कॉल करते हैं किसी कंप्यूटर से, किसी ऐसे मोबाइल फोन पे जो कि नेट से जुड़ा है, या फिर दोस्तों आप कॉल करते हैं मान लीजिए किसी दो कंप्यूटर्स के बीच में। जो दूसरा एग्जांपल है वो ये है कि आप दोस्तों कॉल कर रहे हैं एक इंटरनेट इनेबल डिवाइस से, और वो जो कॉल है वो जा रहा है आपके ट्रेडिशनल लैंडलाइन या फिर सिंपल एक मोबाइल फोन पे। तो यहां पे दोस्तों टेक्निकल थोड़ी सी डिफरेंट काम करती है, बिकॉज़ नॉर्मल केस में तो आपने क्या किया, सबसे पहले जब दोस्तों कॉल आपकी शुरू होती है उससे पहले भी जो इनिशिएशन दोस्तों है कॉल का वो हो गया, जो आपके दोनों कंप्यूटर्स उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करके ये पता लगा लिया कि वो भैया जो है वो कैसे नेटवर्क को काम में लेंगे, वो कौन से प्रोटोकॉल को काम में लेंगे, जिसके बाद में वो डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, रिसीव करते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से, जो आपकी कॉल है वो एकदम नॉर्मल लग जाती है। लेकिन अभी अगर एक सिंपल आपका पुराने जमाने का लैंडलाइन फोन है, उसको तो इतना दिमाग नहीं है, उसको दोस्तों इतना नहीं मालूम है कि भैया कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल है, क्या हमारे तरह तरह के सिस्टम्स हैं, तो यहां पे दोस्तों बीच में होते हैं कुछ गेटवेज, और ये जो गेटवे दोस्तों है ये बेसिकली जोड़ता है आपके इंटरनेट वाले जो कंप्लीट सिस्टम है उसको, जो आपको दोस्तों PSTN सिस्टम है उसके साथ में, जहां पे आप बाद में ट्रेडिशनल फोन के ऊपर भी इंटरनेट की मदद से कॉल कर पाते हैं। अब यहां पे एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं यार, कि मतलब इंटरनेट है हमारे पास में बड़े आराम से अवेलेबल है, तो यहां पे हम उसी की कॉस्ट को मतलब हमारा जो डेटा है उसको हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन हम बाद में फ्री में कॉल कर पाते हैं। आज मान लो आप स्काइप है या फिर गूगल वॉइस है, गूगल हैंगआउट्स है, व्हाट्सएप कॉल है, तरह तरह दोस्तों आपको फीचर्स मिल जाते हैं, तो यहां पे आप जो है वो बड़े आराम से कॉल कर पाते हैं फ्री में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों डिसएडवांटेजेस है वो भी बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि एक तो कॉल क्वालिटी है वो कई बार इतनी ठीक नहीं होती है, कई बार आपको डिलेज देखने को मिलते हैं क्योंकि जो आपका डेटा है वो ट्रांसमिट हो रहा है पता नहीं भैया कहाँ कहाँ से, तो यहाँ पे आपने अभी बोला हेलो, उसके बाद में 2 सेकंड के बाद में पहुंचेगा हेलो, फिर सामने जवाब आएगा, मतलब जो डिले है वो बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पे दोस्तों बहुत बार आपको जिटर भी देखने को मिलता है, जहां पे होता यह है कि क्योंकि आपके जो पैकेट्स हैं वो आ रहे हैं उनको असेंबल करना है, फिर आप उनको सुनना है, तो यहाँ पे दोस्तों बीच में कई बार होता है कि 2-2 सेकंड के लिए ब्लैंक निकल गया, फिर बाद में एक साथ आपकी आवाज बहुत सारी आ गई, या फिर अगर आपकी कुछ
पैकेट्स बीच में मिस हो गए तो यहाँ पे आपको वो जो पैकेट्स हैं वो बीच में से आपकी आवाज कट जाएगी, तो आपको ऐसे में जो पूरा मैसेज है वो कभी कभी ठीक तरीके से सुनाई नहीं देगा। तो यहाँ पे जो वॉइप टेक्नोलॉजी है वो बड़ी ही कमाल है। मार्केट में यहाँ पे तरह तरह के बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स भी मिलते हैं जिनको आप अपने घर में लगा सकते हैं कंप्लीट लैंडलाइन फोन की तरह। वहां पे आपको बस फोन लाइन का नहीं, आपको देना है पीछे से इंटरनेट का तार, उसके बाद दोस्तों जो आपका वॉइप इंस्ट्रूमेंट है वो काम करेगा। आप दोस्तों इनफैक्ट यहाँ पे नंबर्स वगैरह भी परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, बहुत सारे सर्विसेज हैं। स्काइप के अंदर आप चाहें तो अपना खुद का एक नंबर परचेज कर सकते हैं, गूगल वॉइस में आप दोस्तों अपना नंबर परचेज कर सकते हैं, बाकी व्हाट्सएप कॉल और हैंगआउट्स तो हो ही गया है। और यहाँ पे दोस्तों जो एक और बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन में आप वॉइप को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया में थे और आपने वॉइप से मिला दिया नंबर आपका 112 तो आपकी जो कॉल है वो कहां जाएगी, उनको ये मालूम नहीं है कि आप हो कहां पे। और ऐसे में दोस्तों वॉइप कॉल से उनको ट्रैक करना भी बहुत बहुत मुश्किल बन जाता है। तो यहाँ पे एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं कि भैया कॉल मिलेगी सस्ती या फिर बहुत ही एकदम समझ लो फ्री में। दिक्कत ये है कि यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो वॉइप मैं बहुत काम में लेता हूँ, आप दोस्तों काम में लेते हो या नहीं मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। और आगे चले कि इतना कमाल है ना कि हमको फोन की जरूरत नहीं, हमारे पास में फोन का बिल ही नहीं आएगा। हम जो है वो मान लीजिए इजी वॉइप से कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो जो सारे काम है वो हम कर पाएंगे सिर्फ हमारे इंटरनेट की मदद से। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ज्यादा सुझाव हो तो फिर मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।